है आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आगे आपको टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे और निर्णायक टेस्ट वनडे में जैसे ही टीम इंडिया जीतती है उस खबर की ओर हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। विधायक दल में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस के सारे विधायक यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायक मुंबई में थे, उनके चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की वजारत द्वारा बेंगलुरु पहुंचने की खबर है। अब देखने वाली बात यह होगी अगले थोड़े वक्त में यह तस्वीर साफ होगी कि क्या कांग्रेस के सारे विधायक इस बैठक में पहुंच पाते हैं या नहीं। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो विधायक यहां पर नहीं पहुंचेंगे उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, शामिल न होने वाले एमएलएस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात की तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी है। कर्नाटक में सरकार संकट के बीच ये बड़ी मीटिंग, कांग्रेस विधायक दल की बैठक, कांग्रेस के विधायकों की बैठक, बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। शामिल न होने वाले विधायकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पहले ये कह दिया गया है कि जो भी विधायक शामिल नहीं होंगे उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। विधायक दल की इस बैठक पर सबकी नजर है और हाल फिलहाल में कर्नाटक में सियासी संकट उस वक्त गहरा गया था जब कुछ कांग्रेस विधायकों के नाराज होने की खबरें सामने आई थी। इस बीच कांग्रेस के कुछ विधायक मुंबई पहुंच गए थे, बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा था, हरियाणा के खोटर में जाकर रुके हुए थे बीजेपी के सारे विधायक। लेकिन उस बीच ये खबर आती है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को मना लिया है और आज यानी 18 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जो कि बैठक इस वक्त वहां पर चल रही है। तो कांग्रेस सीएलपी लीडर टू गिव द परमिशन एज पर योर इन्फॉर्मेशन इज द ऑपरेशन कमिला स्टिल ऑन? सी आई यू नो बेटर देन मी, व्हाई शुड यू आस्क मी? यू पीपल आर प्रेडिक्टिंग टुडे दिस गवर्नमेंट विल फॉल, टुमारो दिस विल, दे हैव गिवन सो मेनी डेडलाइंस, यू हैव सीन, यू हैव पब्लिश्ड इट, यू आस्क देम। चलिए सगाई राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आज सगाई बताइए क्या अपडेट है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक तो इस वक्त चल रही है और नजरें इस बात पर सबसे ज्यादा है कि क्या कांग्रेस के सारे विधायक वहां पर पहुंच पाते हैं, अपडेट क्या है आपके पास? फिलहाल अभी 25 एमएलए आ चुके हैं और ज्यादा एमएलए आने वाले हैं। 3:30 बजे को ये सीएलपी मीटिंग शुरू होने वाला था मगर अभी भी डिले हो चुका है, अभी भी लीडर्स और एमएलए आ रहे हैं। फिलहाल जो एमएलए का नाम सुनाई दे रहा था, जो एमएलए मुंबई में होटल में थे, वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। सीएलपी मीटिंग शुरू होने से पहले ही सिद्धरामैया ने प्रेस रिलीज और सर्कुलर भेजा हुआ था पूरे एमएलए को, बताया गया कि जो एमएलए सीएलपी मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे उन एमएलए के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इंपोज करेंगे। जो एमएलए होटल मुंबई होटल में रुक चुके थे अभी तक नहीं पहुंचे, शायद वो पहुंचे तो भी शायद। बिल्कुल सगाई सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर थी, अगर आपके पास जानकारी हो जो भी कांग्रेस के विधायक मुंबई में थे उनको लेकर जानकारी क्या है, क्या अभी वो मुंबई में है, मुंबई से निकल चुके हैं, बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, उनका स्टेटस क्या है फिलहाल? सर रिपोर्ट बता रहा था कि आज शाम को उन लोगों को पहुंचना चाहिए था यहां पे बेंगलुरु पे, मगर कोई खबर नहीं है, उन लोगों का फोन नहीं लग रहा है। जब भी हमने ट्राई किया था उन लोगों से पहुंचने के लिए उनका फोन नहीं लग रहा है सर, शायद आज शाम को पता चलेगा वो आएंगे क्या नहीं, क्या डिसीजन कांग्रेस पार्टी लेगा उनके ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं आते, कांग्रेस ने यह दावा किया था सगाई कि जो भी कांग्रेस के विधायक नाराज है उन्हें मना लिया गया है और ये भी कहा गया था कि उन्हें भरोसे में ले लिया गया है कि अगले कैबिनेट एक्सपेंशन में उनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, तो जो कांग्रेस के नेता फिलहाल इस बैठक में पहुंचे उनसे कोई अपडेट जानकारी मिली, क्या कोई नई नाराजगी तो निकलकर नहीं सामने आ गई उनको लेकर? फिलहाल जो अभी आए हुए हैं उन लोगों को भी पता नहीं है वो लोग आएंगे क्या नहीं, मगर सब लोग बोल रहे हैं सब लोग आएंगे आज, जो जो लोग मुंबई में रुके थे वो भी आ सकते हैं, मगर
क्या एक्शन लेंगे उनके ऊपर देखना पड़ेगा। हमारा सूत्रों के अनुसार शायद उन लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन देंगे, शायद उन लोगों को शोकास नोटिस देंगे और पूछेंगे क्यों इन लोगों ने ऐसे रिसोर्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं। अब एक स्थिति समझाइए सगाई, अब एक स्थिति समझाइए कि अगर जो कि कांग्रेस का दावा था कि उसके सारे विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे, अब मान लीजिए कि मुंबई में जो 6 विधायक थे वो नहीं पहुंचते हैं तो आगे क्या? अच्छे विधायक नहीं पहुंचे तो उन लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्पोज करेंगे, क्योंकि सिद्धरामैया ने बताया गया कि जो एमएलए आज सीएलपी मीटिंग में नहीं आएंगे उन लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्पोज करेंगे। वो कर दिया तो उन लोगों को जो प्राइमरी मेंबरशिप है कांग्रेस से उनसे निकाला गया जाता है और उन लोगों को एमएलए पोजिशन से रिजाइन करना पड़ेगा। देखो चलिए सगाई, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे और अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहीं जो संकट था सरकार पर वो गहरा न जाए आने वाले समय में, ये देखना होगा। लेकिन तस्वीर साफ होगी जब आज थोड़े समय बाद ये क्लियर हो जाए कि आखिर ये सारे विधायक पहुंच रहे हैं इस बैठक में या फिर नहीं पहुंच रहे हैं।